The poem begins with the dash of the muses, and the options are vanity, cogent, chaste, and invocation. So guys, आप सभी का स्वागत है इस vocab session में. आपके सामने एक question, चार option. You have to find out the right answer. क्या आपको चारों के meaning आते हैं? आते हैं तो जल्दी बताइए, नहीं तो कॉपी पेन उठाइए और शुरू हो जाइए, क्योंकि हम ऑडियो विजुअल टेक्निक से सीखने वाले हैं बहुत सारे वर्ड्स. हो जाइए शुरू. हर वर्ड के लिए एक पिक्चर, एक लिंक होगा, आपको उस वर्ड के आगे लिखना है. ठीक है, पहले मैं आपको सभी के मीनिंग बताऊंगा, लिंक बताऊंगा, पिक्चर दिखाएंगे, वर्ड हो जाएंगे याद, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो इन चार ऑप्शन को सीखने के लिए हमारा आज का पहला वर्ड है वैनिटी. वैनिटी का मीनिंग होता है एरोगेंस, घमंड, कंसिटनेस. ओके, कैसे याद करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ. एक लड़की, ये देखिए, इसका नाम है विनीता. विनीता वैनिटी दिखाती है, विनीता वैनिटी दिखाती है, घमंड दिखाती है. तो विनीता हमारा लिंक वर्ड है, इसे अंडरलाइन करिए, हमने भी किया, आप भी करिए. और वैनिटी घमंड मेन वर्ड है. नेक्स्ट वर्ड इज कोजेंट, कन्विंसिंग, प्रभावशाली. कोजेंट रिप्लाई हो सकता है, कोजेंट, कोजेंट, कोजेंट. एंड द लिंक वर्ड इज कंपनी एजेंट्स. सो कंपनी एजेंट्स को कोजेंट्स आते हैं, कोजेंट्स रिप्लाई करने आते हैं. कंपनी एजेंट्स हमारा लिंक वर्ड है, इसे अंडरलाइन करेंगे. कोजेंट मेन वर्ड है, इसे अंडरलाइन करेंगे. तो कंपनी एजेंट को कोजेंट्स आते हैं, प्रभावशाली रिप्लाईज आते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज चेस्ट, पतिव्रता. जो एक ही पार्टनर के साथ रहना पसंद करे, यहाँ वहाँ ना देखे, उसे कहते हैं पतिव्रता, चेस्ट. एंड द लिंक वर्ड इज चेस्ट. तो अपनी चेस्ट नहीं दिखाती चेस्ट, ये जो चेस्ट है ना, जो पतिव्रता है, अपनी चेस्ट नहीं दिखाती, बिल्कुल कवर होकर चलती है. चेस्ट, 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 चेस्ट को अंडरलाइन कर देंगे. एंड द फोर्थ वर्ड इज इन्वोकेशन, प्रार्थना, प्रेयर. एंड द लिंक वर्ड इज वेकेशन, यानी कि छुट्टियां. वेकेशन के लिए इन्वोकेशन कर रहे हैं कि हमारी वेकेशन कर दो, हमारी छुट्टियां कर दो जी. वेकेशन के लिए इन्वोकेशन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं. आइए चारों वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं. आपके सामने चारों वर्ड्स, वैनिटी घमंड, लिंक वर्ड था विनीता, कोजेंट कन्विंसिंग रिप्लाई, लिंक वर्ड क्या था कंपनीज एजेंट्स, चेस्ट पतिव्रता, लिंक वर्ड था चेस्ट, एंड द लास्ट वर्ड इज इन्वोकेशन प्रार्थना, एंड लिंक वर्ड था वेकेशन. नाउ हमारी स्टोरी शुरू हुई थी एक सेंटेंस से, और ये रहा वो सेंटेंस आपके सामने. यू हैव टू फिल द राइट आंसर गाइस, कम ऑन, बताइए चारों वर्ड आपको आते हैं. क्या आप स्थिति में हैं कि बता सके? बिल्कुल बता सकते हैं. देखिए सेंटेंस एक बार फिर पढ़ते हैं. द पोएम बिगिंस विद द डैश ऑफ म्यूजिस. तो पोएम स्टार्ट होती है किसके साथ? चारों ऑप्शन में से वन इज द राइट ऑप्शन. क्या है? इन्वोकेशन इज द राइट ऑप्शन. प्रार्थना के साथ शुरू होती है, तो पोएम प्रार्थना के साथ शुरू होती है. आपने देखा, इफ यू नो ऑल द वर्ड्स लाइफ इज वेरी इजी. नहीं तो लोग एक ही बात बोलते हैं, यार इंग्लिश बड़ी मुश्किल है, वोकैबुलरी तो साइड भी रखो, हमसे होती ही नहीं, रोज रोज के पांच पांच दस दस वर्ड लिख के भी याद नहीं होते. परंतु हमारे टेक्निक से, थ्रू ऑडियो विजुअल टेक्निक, ये बहुत ईजी हो गया आपके लिए, आप देख चुके हैं. ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में, अगली वीडियोज में. टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर.